दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आरआरसी आर यहाँ पर ग्रुप डी का दोस्तों जो पीटी e. रिजल्ट है वो कुछ ही दिनों में दोस्तों आपका आने वाला है तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि कट कि कि ऑफ किया जाने वाला है दोस्तों तो मैं यहाँ पर आपको वीडियो लेकर आया हूँ जो कि सौ परसेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों हमारी तरफ से इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका कट ऑफ है दोस्तों क्या जाने वाला है दोस्तों आप देख रहे हैं कि कट ऑफ मैंने यहाँ बनाया है दोस्तों मैं अगर बात करूं आल जोन का जितने भी दोस्तों आपकी आर आर है तो सभी जोन का मैंने यहाँ पर लगभग लगभग दोस्तों बता दिया है और इस बार आपका दोस्तों जो कट ऑफ है वो परसेंटेल वाई कट ऑफ जाने वाला है हालांकि आपको इस बात का पता भी होगा और दोस्तों एक बात और पता होनी चाहिए आप सभी को कि जो भी दोस्तों आपका कट ऑफ जाएगा वो इसी के अकॉर्डिंग लगभग लगभग जाने वाला है तो यू आर का दोस्तों मैं बात करूँ तो यू आर का आपका कट ऑफ है अगर आपके मार्क्स छियासठ से इकहत्तर के बीच हैं आपका कोई भी जोन हो दोस्तों तो आपका यहाँ पर सेम स्कोर है आपका यहाँ पर पी टी यहाँ पर आप, आप लोग आसानी से क्वालिफाई हो सकते हैं नेक्स्ट आपके दोस्तों मैं बात करूँ ओ बी सी की तो उनसठ से आपके पैंसठ के बीच दोस्तों आपके स्कोर हैं तो आप टेंशन ना लीजिए आपका यहाँ पर आसानी से नाम आने वाला है इतना अगर आपका स्कोर है नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एस की तो चौवन से दोस्तों आपके साठ के बीच अगर आपके मार्क्स हैं दोस्तों तो आपका यहाँ पर चांस है कि आपका यहाँ पर पी के लिए आप शॉर्ट आसानी से हो जाएंगे नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपकी एस वालों की दोस्तों आपके पैंतालीस से इक्यानवे के बीच मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे पी और आपका यहाँ पर फाइनल चांस दोस्तों बनते हैं कि आपका यहाँ पर पी में आसानी से आपका नाम आ जाएगा दोस्तों मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता है आपके लिए बता दूं कुछ टिप्स की दोस्तों जो आपकी आरआरसी ग्रुप डी के दोस्तों जो पेपर हुए थे आपके चाहे एनटीपीसी हो या आरआरसी ग्रुप डी हो दोस्तों आईन तो आपकी फाइनल ग्रेजुएशन लेवल वाली जॉब भी है आपको पता भी होनी चाहिए उसमें कुछ इंटर लेवल की जॉब थी लेकिन आपके दोस्तों जो ग्रुप डी के पेपर थे उसको भी आप आसान ना समझें क्योंकि आपको पता है कि दस पास से वैकेंसी निकलती है हालांकि वो दस पास वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं दोस्तों दस जो दसवीं क्लास के क्वेश्चन हैं तो वो नहीं होते हैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं इसलिए दोस्तों अगर आपके मार्क्स इन इनके बीच बन रहे हैं तो दोस्तों आप लोग आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं ऑल इंडिया में कोई सी जॉन भी दोस्तों आपको कोई सा भी जॉन हो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं वीडियो दोस्तों पसंद आए वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू आपका दिन शुभ हो